आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। बलिया जनपद में धान की खरीदारी को लेकर अधिकारियों ने क्रय केंद्र खोल दिया, लेकिन अभी भी दर्जनों क्रय केंद्र बंद पड़े हुए हैं। अधिकारियों ने कागजों में 2240 कुंटल धान की खरीदारी भी कर दी है, पर किसानों के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है। जब क्रय केंद्र खुलेंगे नहीं तो किसानों की फसल कैसे बिकेगी? सच तो ये है कि क्रय केंद्रों पर अभी तक जूट के बोरे नहीं होने के चलते केंद्र प्रभारियों द्वारा खरीदारी नहीं की जा रही है, जिसे बिचौलियों के द्वारा मनमानी तरीके से औने पौने दामों में धान की खरीदारी हो रही है। वहीं किसानों की माने तो क्रय केंद्रों पर भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों से किसान संतुष्ट नहीं है। जिलाधिकारी से भी मैं कल मिलूंगा, समय में लेने जा रहा हूँ जिलाधिकारी का, और कहूँगा कि जैसे पूर है, खिजड़ी है, पकड़ी है, ये गरमलपुर है, यहाँ मिश्रौली है, तो ऐसी जगहों पे जो कर्मचारी हैं आए हैं वो डकैत हैं, लुटेरे हैं, सिर्फ लूटते हैं, किसानों का शोषण करते हैं। ऐसे लोगों को सस्पेंड करने की जरूरत है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। एग्रो प्रभारी ने टालमटोल जैसे जवाब देते घूमते नजर आए। सच तो ये है कि अभी क्रय केंद्रों पर धान की खरीदी के लिए बोरे नहीं हैं, तो ऐसे में धान की खरीदी कैसे? यहाँ पे अभी धान की खरीद क्या चल रही है? धान खरीद की व्यवस्था चल रही है, अब शुरू होगा धान खरीद। अभी शुरू होगा, अभी हुआ नहीं है। क्यों इतनी लेट हो रही है खरीद, वजह क्या है? वजह का मतलब व्यवस्था चल रही है, धान कटनी हो रही है। धान कटनी हो रही है, क्या आप लोगों को सारी व्यवस्थाएं जो बोरा हो चाहे और भी जो व्यवस्था मिलती है आप लोगों को मिल रही है यहाँ पे? व्यवस्था पुराने बोरे में खरीद करनी है, नया बोरा नहीं मिला है आप लोगों को? नए बोरे में चावल जाना है, चावल जाना है। बोरा इसके लिए, धान खरीद के लिए नहीं मिला है आप लोगों को? नहीं, बोरा पुराने बोरे में जो है व्यवस्था हो रही है, हो गई है। वहीं जिला विपणन अधिकारी ने कहा कि जिले में धान की खरीदी चल रही है, 2240 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। अगर ऐसे क्रय केंद्र बंद मिले तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अभी चेक करने जा रहे हैं, जनपद में लगभग सभी क्रय केंद्र खुले हुए हैं। तो क्या जो वहाँ पे जो प्रभारी हैं, केंद्र प्रभारी हैं, तो वो ये मानते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, उनको सभी योजनाएं दे दी गई हैं फिर भी वो नहीं खोल रहे हैं? क्योंकि अभी आपने देखा कि कई जो समिति एग्रो हैं अभी उन पे ताला लटका हुआ है, तो कई किस तरह की खरीदारी हो रही है सर? नहीं, तो इसके लिए है, आज हमने वहाँ के एमओ को भी निर्देशित किया है, जांच करके रिपोर्ट मांगी है इनसे, उसका केंद्र की जो आपने है उसकी रिपोर्ट मांगी है, आते ही फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट।